नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारे नौरेज महमूद है, ताल्लुक इनका लाहौर से है लेकिन ये परफॉर्म करेंगे कराची स्टूडियो से, आईडी है इनकी 02। जी नौरेज, बिस्मिल्लाह कीजिए। इंसान मदीने में रहे बन के से सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले कि हम नॉरेज पे कुछ कमेंट्स लें, हमारे साथ मौजूद है, जिसे आपने फ्रेम में देख भी लिया और ऐसे ने अपनी सीट पे बिठाया, हमारी बहुत ही प्यारी ताबिंदा लारी आपा को, जो बनो समा की आवाज़ जब से शुरू हुआ था इसके साथ थी और फसी भाई के साथ तो इनकी बड़ी अक्सर वो भी रहती थी। फसी भाई को मुझे खास तौर पे कहना, इतने स्मार्ट हो गए हैं लेकिन गुस्सा ज्यादा करते हैं लेकिन खूबसूरत ज्यादा हो गए। अस्सलाम वालेकुम आपा, ऐसा खैरियत से आप? आपा आपकी इन्हीं बातों को तो मिस कर रहे थे। देखिए बात ये कि सभी भाई ये तो पूरा पक्का प्रोफेसर बना रहता है। देखिए फसी भाई आपकी क्या बात है, आप जरा मुस्कुरा के बोलेंगे ना, आप देखिएगा आपकी बीवी को आपको नजर रखना पड़ जाएगा। ये मैं बता रही हूँ आपको, मैंने सोचा था जब मैं जाऊंगी तब मैं सबसे पहले फसी भाई को कहूंगी। जब मैंने एक दिन देखा काला चश्मा लगाए हुए जबरदस्त, अब लोग कहते तुम्हें सब दिखता कम है, तो मैंने सर्जरी नहीं मुझे कम दिखता है ना, तो मैंने कहा भाई आंखें ही सब नहीं। इकबाल अजीम ने कहा कि इकबाल अपनी चश्मे बसीरत से काम लो। वाह वाह वाह, ये क्या जरूर आंख से रास्ता दिखाया। सुने अमजद भाई ने कहा कि बसारत को बसीरत गुम्बद खजरा से मिलती है, और उसके बाद अल्लामा सैयद शेख सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी कहते हैं कि करम के रास को इल्म खबर में रखते वाँ 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 जो लोग गुम्बद खजरा नजर में रखते हैं। आज तालियां बजाओ फसी भाई इतना खिलखिला के हंसे हैं कि आप जो शायद आपा मैं ये एक तो आपको वेलकम कहना चाहूंगा हमारे शो में, इतने दिनों से हम आपका इंतजार तो इसलिए कर रहे थे, ये बातें हम मिस कर रहे थे। और आपा सुनिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि फसी भाई शायद पहली
या मतलब शायद हल्का सा हंसे होंगे पहले, आज आपको देख के बहुत मुस्कुराए हैं। पहले आपा के लिए तालियां बजाइए जोरदार, आपा के लिए बहुत सी तालियां हैं। क्योंकि हमारे साथ जो पूरा पैनल होता था तो उसमें जो आपा है ना, मतलब इनकी नोकझोंक तो रहती थी और आपा जब आती थी छा जाती थी, और अभी भी आप देखिए आई है तो छा गई। अब सारे बच्चे मुकाबले में जितने बच्चों आपको फसी भाई हंसते मुस्कुराते लगेंगे, और सभी तो हंसते ही नहीं, पता नहीं इसको क्या है। ये तो नस्तालिक प्रोफेसर है। अच्छा तो जरा पूछ लेते पहले प्रोफेसर साहब से, फसी भाई से पहले पूछ लेंगे। फसी भाई नहीं नहीं फसी भाई कभी भी ऐसे नहीं थे, प्यार से बात करते थे। तो फिर अमजद साहब से कितनी लड़ाई हुई है? वो लड़ाई अलग बात है ना, लेकिन बच्चे जब से इनका आपने सबरी का बड़ा पद था कि वो हमेशा बहुत नहीं, मगर फसी भाई जैसे आपने वो दिल का भी कुछ छेड़छाड़ कराया ना घोड़ों से, सारी गड़बड़ वही हुई है। आपा चूंकि हमारे वो कंटेस्टेंट खड़े हुए, तो मैं तो फसी भाई से पहले, नहीं आपा ने तो सुना भी कम है, मैंने सुना। मुझे इस बात की खुशी की इस बच्चे ने इस कलाम का एक ही शेर सारे बच्चे पढ़े जा रहे थे, इस बच्चे ने बहुत अच्छा शेर कर दिया। ठीक है, नो ऑब्जर्वेशन। क्या फसी भाई कहेंगे आप ये बताइए? अच्छे से बोलिए, मुस्कुरा मुस्कुरा। जी जी मैं मुस्कुरा के बोलूँ। देखिए एक दफा ये है कि तलफ्फुज़ की गलती है बेशक, लेकिन जब वो जी इसने सुर में पढ़ दिया है तो वो जाहिर हो गया, लफ्ज तोड़ दिया जाहिर हो गया। अब कल से एक मसला ये आ रहा है कि खराश जो है वो भी एक खूबसूरती है, अब इनके गले में भी खराश थी। ये किन्होंने कहा खराश खूबसूरती है? यहीं पे कहा गया। अच्छा, पे नहीं उस आवाज के लिए सभी भाई ने कहा था, सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे हर आवाज में खराश जो है वो सिर्फ खराश। साहब कर देता हूँ एक जुमले में, सुन लीजिए, खराश नहीं है। जिस चीज़ को आप खराश कह रहे हैं, जब अंतरे में जाता है गला बना हुआ हो ना, अगर किसी का और पड़ा हुआ, आप भी जब अंतरे में जाएंगे ना तो आप क्या फोर्स लेगा गला, और उसको आप अगर खराश कहेंगे तो आप सवालिया निशान लगा। माफी चाहता हूं, वन ऑफ बात थी वो, हर बात वो खराश नहीं, नहीं वो खराश है ही नहीं, ऑन एयर बात हुई है, वो स्ट्रोक है उसका। आप समझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ माजर के साथ चाहता हूँ कि वो एक उस आवाज में वो जच गया था उस वक्त कलाम है, उन टेबल में ये तरीका अच्छा है। ये अभी भी उन्होंने लफ्ज ध्यान जो था उसमें हे को बिल्कुल वाज़े नहीं किया, उसमें ध्यान पड़ा, सही ध्यान को ध्यान पड़ा। नौरेज आपने बिल्कुल गौर से सुना है, बच्चे आपकी जो गलतियां या आपके पल्लू से माननी इसलिए जिसला हो रही है। जी नौरेज बेटा, आज तो मैंने हमेशा यहाँ कही है ये बात और आपसे भी दोबारा कहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर मुकाबले तो बहुत आएंगे लेकिन असल चीज़ तो महफिल में पढ़ना है। आपने जब शुरू किया ना तो बहुत ही आधा मिसरा बहुत कच्चा लिया बेटा, हमेशा पहले लफ्ज से जम कर आओगे तो समात को पकड़ेगी आवाज़, और दूसरा अंतरा आपने लिया अपने अस्थाई से ऊपर, जिसकी वजह से आप उसको भरपूर जिस तरह रचाकर पढ़ना होता है ना वैसे नहीं, सहूलत से अदा करने वाला पढ़ना जिसमें एक तासुर बन जाए वो कामयाब होता है। अगर अपने सुर से ऊपर हो जाए और अपनी फोर्स से उसको निभा भी दें तब भी एक इम्पैक्ट उसका नहीं बन पाता। तो आज आपका ये मसला हो गया। ठीक है जी, कैमरे में देखिए और वोट के लिए अपील कर दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरेश महमूद है, अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद है तो मेरा आईडी नंबर है 05, तो प्लीज़ मुझे वोट करें, शुक्रिया। ठीक है, मैं चाहूंगा मध्य अब आपका जो आईडी है वो चेंज हो गया, 02 है आपका बेटा। अच्छा ब्रेक पर हमें जाना है, लेकिन दोबारा से बोलिए आपका आईडी है 02, ठीक है? आईडी नंबर है 02, अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद है तो प्लीज़ मुझे वोट करें, शुक्रिया। ज़बरदस्त, अच्छा आईडी हम आपको बताएंगे क्योंकि बच्चे आईडी चेंज हो रहे हैं।